हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्षम क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक था भारत के प्रायद्वीपीय पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में हमने उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में और कुछ पर्वतमालाओं के बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। आज हम प्रायद्वीपीय पठार में कुछ पठारों के बारे में बात करेंगे, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य पठार और दक्कन के पठार। इन पठारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार का विस्तार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। राजस्थान में से हड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। मालवा के पठार का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला। दक्षिण में इसके विंध्यांचल पर्वतमाला है। पूर्व में इसके बुंदेलखंड का पठार है। उत्तर में इसके गंगा यमुना का मैदान। मालवा के पठार की प्रमुख नदी है वो चंबल नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे काली सिंध, बेतवा, पार्वती, आहू, शिप्रा आदि इसकी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी मालवा के पठार की प्रमुख नदी है और जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल वो बेतवा और पार्वती नदी के दोआ पर स्थित है। हमने बात की मालवा के पठार की। जो मालवा का पठार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। राजस्थान में इसे हड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं और इस अरावली पर्वतमाला इसके उत्तर पश्चिम में है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला है। पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। उत्तर में गंगा और यमुना का मैदान है। इसकी जो प्रमुख नदी है इस पठार की वो चंबल नदी है। उसकी सहायक नदियां हैं जैसे काली सिंध, बेतवा, पार्वती, शिप्रा, आहू आदि इसकी सहायक नदियां हैं चंबल नदी की। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वो पार्वती और बेतवा नदी के दोआ पर स्थित है। जो मालवा का पठार है वो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मालवा का पठार किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में मालवा का पठार स्थित है। अब बात करते हैं हम बुंदेलखंड पठार की। सेकेंड नंबर पर हम लेते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार बुंदेलखंड पठार का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है। एमपी और यूपी में इसका विस्तार है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि बुंदेलखंड पठार के किन दो राज्यों में विस्तार है, तो एमपी और यूपी में इसका विस्तार है। बुंदेलखंड पठार का जो निर्माण है वो नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, जिसे से नीस कंट्री या बुंदेलखंड नीस के नाम से भी इसे जानते हैं। बुंदेलखंड पठार के उत्तर में यमुना नदी प्रवाहित होती है। उसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध, बेतवा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की। इसके पश्चिम में मालवा का पठार है। इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार। दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला की भाने रेंज है। उत्तर में इसके यमुना नदी प्रवाहित होती है।
हमने बात की बुंदेलखंड पठार की। बुंदेलखंड पठार का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। इसके उत्तर में यमुना नदी प्रवाहित होती है, दक्षिण में इसके विंध्याचल पर्वतमाला की भाने रेंज है, पश्चिम में इसके मालवा का पठार है, पूर्व में इसके बुंदेलखंड का पठार है। अब बात करते हैं हम बुंदेलखंड पठार बघेलखंड पठार की। थर्ड नंबर पे लेते हैं हम बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार का जो विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है। बघेलखंड पठार के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण में इसके सतपुड़ा पर्वतमाला की मेकाल रेंज है, उत्तर पश्चिम में विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर रेंज है, पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार है, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ जो नदियाँ हैं वो अरिहा पुआतंत्र बनाती है। बघेलखंड के पठार की प्रमुख नदी है वो सो नदी है, जो मेकाल रेंज की अमरकंठक चोटी से निकलती है। ये बात की हमने बघेलखंड के पठार के। बघेलखंड पठार में एक प्रमुख सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। बघेलखंड जो पठार है उसमें सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है, बघेलखंड के पठार में है, कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। ये बात की हमने बघेलखंड पठार की। अब बात करते हैं हम छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य में इसका विस्तार है। छोटा नागपुर का पठार इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ है। यहाँ पर मुख्य चट्टाने पाई जाती है, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने आदि यहाँ प्रमुख चट्टानें पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठार में खनिज संसाधनों से यह पठार समृद्ध है, जिससे इसे भारत का रूह प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में गंगा नदी बेसिन है, पूर्व में इसके हुगली नदी का बेसिन है, दक्षिण में इसके महानदी का बेसिन है और पश्चिम में इसके बघेलखंड का पठार है। छोटा नागपुर के पठार के मध्य से दामोदर नदी प्रवाहित होती है, जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर में इसे कहते हैं हजारीबाग का पठार और कोरडमा का पठार। सेकंड है, उत्तर में तो इसे बोलते हैं हजारीबाग का पठार
और कोडरमा का पठार, दक्षिण में से बोलते हैं रांची का पठार, रांची का पठार। कोडरमा के पठार में अब्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अब्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि कोडरमा के पठार में क्या प्रमुख उत्पादन होता है, तो अब्रक का उत्पादन प्रमुख होता है। यहाँ रांची का पठार एक उचित पेनीप्लेन का उदाहरण है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, दक्षिण पूर्व में स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी छोटा नागपुर पठार से तीव्र मोड़ लेती है, जिसे झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में यह सीमा बनाती है। हमने बात की छोटा नागपुर पठार की, छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ है। यहाँ प्रमुख जो चट्टाने हैं वो जैसे आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवा क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने यहाँ प्रमुख पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधनों में समृद्ध होने के कारण इसे भारत का रूह प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इसके दक्षिण पूर्व में स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है, इसके मध्य से दामोदर नदी प्रवाहित होती है जो इसे दो भागों में विभाजित करती है, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। दक्षिण में इसे करती है रांची का पठार। ये बात की हमने छोटा नागपुर पठार की। अब बात करते हैं मेघालय पठार की। मेघालय का पठार, मेघालय पठार का विस्तार मेघालय राज्य में है, मेघालय पठार का जो विस्तार है वो मेघालय राज्य में। इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र घाटी है, उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। पूर्व में इसके मिकिर की पहाड़ियां हैं, मिकिर की पहाड़ियां। दक्षिण में इसके रेंगमा की पहाड़ी है। पश्चिम इसके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ प्रवाहित होती है। मेघालय पठार की हमने बात की। मेघालय पठार का जो विस्तार है वो मेघालय राज्य में है। इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, पूर्व में इसके मिकिर की पहाड़ी है, दक्षिण में इसके रेंगमा की पहाड़ी है और पश्चिम में इसके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवाहित होती है। यह जो पठार है वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार से अलग स्थित है और इसे अलग करने वाला गैप है मालदा गैप या राजमहल मालदा गैप, राजमहल मालदा गैप। यह गैप मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। अब बात करते हैं मेघालय पठार में कुछ पर्वत है जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, जैसे गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंती पहाड़ी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी वह है सिलोंग। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो सिलोंग है, जो खासी पहाड़ी का इसमें विस्तार है। और गारो की सबसे ऊंची चोटी है वो है नोकरेक। नोकरेक जो है वो एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी इसे घोषित किया गया है। ये बात की हमने मेघालय पठार की। अब बात करते हैं हम दंडकारण्य पठार की। दंडकारण्य का पठार,
इस पठार का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ राज्य इसका विस्तार है। इसके दक्षिणी भाग में बस्तर का पठार है, बस्तर का पठार। धनकान पठार में आदिवासी जनजातियां निवास करती है, आदिवासी जनजाति निवास करती है। बस्तर के पठार में गोंड जनजाति निवास करती है, गोंड जनजाति निवास करती है। यहाँ से इंद्रावती नदी जो है प्रवाहित होती है, इंद्रावती नदी जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दंडकारण्य पठार में कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ प्रमुख पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ प्रमुख पाई जाती है, जिससे यहाँ टिन की अधिकता, टिन पदार्थ की यहाँ अधिकता है। यह बात की हमने दंडकारण्य पठार की। अब बात करते हैं हम दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है, इन सभी पठारों में सबसे बड़ा पठार है। इसका आकार है त्रिकोणीय आकृति है, इसकी त्रिकोणीय आकृति। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है। कुछ अंश तक इसका केरल में भी विस्तार है। इस पठार पर प्रमुख चट्टानें पाई जाती है, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ प्रमुखतः पाई जाती है। यहाँ प्रमुख खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, सोना, चांदी, अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि यहाँ प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और यहाँ इस पठार की प्रमुख नदी है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। इस पठार को हमें तीन भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र में, इसे महाराष्ट्र के पठार के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र के पठार में काली मृदा और लैटराइट मृदा की यहाँ अधिकता पाई जाती है, जिससे यहाँ कपास की कृषि सर्वाधिक होती है। यहाँ कुछ पर्वतमालाएँ पाई जाती है, जैसे अजंता की पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी आदि यहाँ प्रमुख पहाड़ियाँ पाई जाती है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम कर्नाटक का पठार। कर्नाटक में इसे कर्नाटक का पठार कहा जाता है। कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो मुलानगिरी है, जो बाबा बुंदेल की पहाड़ियों पर स्थित है। मुलानगिरी में चंदन के वृक्षों की अधिकता है और बाबा बुंदेल की पहाड़ियों में लोह ऐश की प्रधानता है और यहाँ कहवे की कृषि सर्वाधिक होती है। ये बात की हमने कर्नाटक पठार की। अब बात करते हैं हम आंध्र के पठार की। आंध्र का पठार, आंध्र का पठार को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है तेलंगाना का पठार, सेकंड है रॉयल सीमा का पठार। तेलंगाना में इसे तेलंगाना का पठार बोलते हैं और आंध्र प्रदेश में रॉयल सीमा का पठार बोलते हैं। तेलंगाना का जो पठार है वो एक समतल एक पट्टी के रूप में है। इसके मध्य से जो है गोदावरी नदी प्रवाहित होती है और यहाँ जो नदी, इसकी प्रमुख नदी है वो वर्धा नदी है। इसके उत्तरी भाग में पहाड़ियाँ हैं और दक्षिणी भाग में वनों से ये ढका हुआ है। रॉयल सीमा का पठार है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की जो वेलिकोंडा और पालकोंडा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ ये वृष्ट छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण ये पिछड़ा प्रदेश है। और यहाँ जो इसकी प्रमुख नदी है वो पेनर नदी है, पेनर नदी। हमने बात की दक्कन के पठार की। दक्कन के पठार में हमने देखा इसकी, यह सबसे बड़ा पठार है। इसकी आकृति त्रिकोणीय आकृति है और यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कुछ अंश तक केरल राज्य में भी इसका विस्तार है। यहाँ प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, एस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी आदि यहाँ खनिज संसाधन पाए जाते हैं।
दक्कन के पठार में कुछ प्रमुख चट्टाने पाए जाते हैं, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने आदि यहाँ चट्टाने पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं वो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। दक्कन के पठार को तीन भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र में से महाराष्ट्र के पठार के नाम से जानते हैं। सेकेंड है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक में से कर्नाटक के पठार के नाम से जानते हैं। और आंध्रा में से आंध्र प्रदेश में इसे आंध्रा का पठार के नाम से जानते हैं। फिर आंध्र के पठार को दो भागों में विभाजित करते हैं, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। तेलंगाना का पठार है वो तेलंगाना में बोलते हैं और रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। यह है पालकोंडा और वेलिकोंडा जो पर्वतमाला है उसके वष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण यह पिछड़ा प्रदेश है। ये बात की हमने प्रायद्वीपीय पठार के कुछ पठारों के बारे में, जिन्हें हमने देखा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य पठार और दक्कन का पठार। ये बात की हमने प्रायद्वीपीय